वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी सोनी। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, किसी को भी पैसा देने से पहले, यानी हम किसी को भी पैसा उधार देते हैं और उधार पैसा देने के समय उन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे पैसे की रिकवरी हो जाए, यानी कि हमारा पैसा वापस लेते समय कहीं मर ना जाए, कहीं वो हमें वापस मिले ही नहीं। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स अपने साथ क्रिएट हो जाती हैं। कई बार हम किसी को पैसा उधार देते हैं और लेते समय ऐसी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि या तो पैसा डूबने की पूरी पूरी स्थिति हो जाती है या फिर सामने वाला अपने पैसे देने से ही मना कर देता है। तो उधार पैसा देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें आराम से सुविधा से अपना पैसा वापस मिल जाए और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आज हम अपनी वीडियो में इसी तरीके की कुछ बातों को, कानूनी बातों को जानेंगे कि उधार पैसा देते समय कि किन कानूनी बातों को अपन को ध्यान रखना चाहिए। मैं आज की वीडियो में आपको इस बात को कुछ उदाहरणों के साथ में समझाऊंगी। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से किन कानूनी बातों का ध्यान रखते हुए पैसे को उधार देना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले पहला उदाहरण मैं आपके सामने लेती हूँ कि मुझसे किसी ने पैसे मांगे, ठीक है। यानी कि ऐसे समझ लीजिए इस बात को कि मेरी किसी फ्रेंड ने मेरे से 1 लाख रुपये उधार मांगे, ठीक है, और उन्होंने मेरे से कहा कि मुझे अर्जेंट ज़रूरत है और मुझे 1 लाख रुपये दे दो। और मैंने उनको बाई कैश दे भी दिए पैसे, और कैश देने के बाद में उन्होंने मुझसे मना कर दिया। तो आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाने के बाद में आपने कहा कि कथित तौर पर बाई कैश इन्होंने पैसे, मैंने इनको पैसे दिए हैं, तो वहाँ क्या आपकी सुनवाई होगी? नहीं। फ्रेंड्स, दूसरा उदाहरण है कि मेरी किसी फ्रेंड ने मुझसे पैसे मांगे और मैंने उनसे एक एग्रीमेंट लिखवा लिया। एग्रीमेंट लिखवाने पर उसमें स्पष्ट लिखवाया गया कि मैंने इनको पैसे देने हैं, ठीक है। एग्रीमेंट लिख गया, उसके बाद में आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाने के बाद में एग्रीमेंट पे बेस पर वो जो है केस आगे जाता है। जाने के बाद में अगर उनके वकील काबिल निकले तो वो आप से क्या कहेंगे कि साहब मैंने तो पैसे दिए कहाँ हैं भी, इसमें पैसे भी दिए कहाँ हैं भी, सिर्फ एक बतौर एग्रीमेंट था, पैसे आने तो बाकी थे। तीसरा उदाहरण मैं आपके सामने लाती हूँ कि आपने किसी को पैसे दिए और पैसे देने के बाद में आपने एक चेक ले लिया। चेक लेने के बाद में स्थिति उत्पन्न होती है कि मामला कोर्ट में जाता है कि साहब ये चेक है और चेक मैंने लिया है, इन्होंने मुझसे पैसे लिए। तो वो कहेंगे कि सर मैंने पैसे लिए थे, जैसे इन्होंने मुझे कैश में पैसे दिए थे मैंने भी इनको कैश में लौटा दिए वापस, लेकिन इन्होंने मेरा चेक वापस नहीं करा है और पैसे तो मैं इनको रिटर्न कर चुका हूँ। तो वहाँ भी आप सक्सेस नहीं। चौथा उदाहरण है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनना, कि आपने पैसे दिए, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, पक्का काम करके पैसे उनको दिए, अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। दूसरा, आपने उनसे एक चेक भी ले लिया। अब यहाँ स्थिति बदल गई है कि आपने पैसे दिए थे, ना तो वो चेक कैश में पेमेंट दिया है आपने, आपने पेमेंट दिया है अकाउंट टू अकाउंट, यानी कि पूरा एक बैंक के रिकॉर्ड में आपका आ गया कि आपने इस अकाउंट से और इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, ठीक है। अगर वो कोर्ट में भी जाते, उस पर से आपके पास एक चेक है, अगर वो पार्टी कोर्ट में भी जाती है तो आप कह सकते हैं कि सर इन्होंने इस डेट में मुझसे पैसा लिया है और इस डेट में मैंने इनको मतलब इस तरीके से इतना पैसा दिया है और उसके बदले में जो है चेक रखा है। तो वहाँ आपको कोई नहीं चुपला सकता। फ्रेंड्स, इसमें पांचवा उदाहरण है कि आपने किसी को पैसा दिया, ठीक है, पैसा देने के बाद में आपने उनसे एक चेक ले लिया प्लस एक एग्रीमेंट करा लिया, उस एग्रीमेंट में पूरा डिस्क्रिप्शन किया है कि आपने इतना पैसा दिया है, इतने पर इंटरेस्ट पर दिया है और इतने मंथली आपका, इतने मंथ के लिए ये पैसे ले रहे हैं, पूरी जो डिटेल होगी ना आपकी वो सारी आप उस एग्रीमेंट में इंक्लूड कर देते हैं और उसके बाद में जो पेमेंट है वो भी बैंक से ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो वहाँ आपकी श्योरिटी पूरी तरीके से बढ़ जाती है और उस श्योरिटी को अगर आप कोर्ट में भी जाती है, यानी पार्टी सेकेंड वाली पार्टी अगर कहीं आपके साथ चीटिंग करने के लिए सोचती है या फिर ये सोचती है कि वो आपके पैसे नहीं दे, तो उस स्थिति में आप अगर कोर्ट में भी जाते हैं तो आपके पैसे की वहाँ रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि पैसे उधार देते समय
क्या पार्टी क्या करती है कि ओनली चेक ले लिया खाली, और चेक लेने के बावजूद भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि नेगोशिएबल एक्ट के तहत 138 में चेक बाउंस का मैटर होता है। तो उसमें स्थिति ये हो जाती है कि जिसने पैसा दिया है और चेक उसके पास होने के बावजूद भी वह अपना केस हार जाता है, तो उस स्थिति से बचने के लिए हमें सारी सुविधा मतलब जो कानूनी पैंतरे हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही किसी को पैसा देना चाहिए। मैं आपसे वापस से एक अपनी बात रिपीट करती हूँ कि किसी को भी आप पैसे का लेन देन करते हैं तो वहाँ थोड़े से आप कड़वे हो जाएं। कड़वे होने का मतलब ये है कि आप स्ट्रिक्टली उनसे बात करें, खुल करके जो अपनी बात है वो स्पष्ट से रखें कि आपको श्योरिटी के बेस पर क्या क्या चाहिए। एक रिटर्न एग्रीमेंट आप उनसे लें, एक आप चेक उनसे लें, अगर आप पेमेंट आप उनको दे रहे हैं तो बाई कैश ना दें, बाई अकाउंट या फिर किसी भी ऑनलाइन जो बैंकिंग सिस्टम है उसके माध्यम से आप अपना पैसा उनको दें, जिससे आपके पैसे की जो रिफंडिंग वाला सिस्टम है वापस आने की जो स्थिति है वो पूर्णतः बनी रहे। और आज की वीडियो में मैं समझती हूँ कि जो मैं आपको बताना चाहती थी इस मैटर के रिगार्डिंग कि पैसा किस तरीके से, क्योंकि हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं ज़रूरतें होती हैं और व्यक्ति कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि उधार लेना भी पड़ता है और देना भी पड़ता है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि हम एक समाज के प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के नाते व्यक्ति की ज़रूरतें कहीं ना कहीं आ ही जाती हैं। कभी किसी को अपने बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए चाहिए होता है, कई बार हॉस्पिटलिटी के लिए चाहिए होता है, तो ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ हो जाती हैं जिनमें आवश्यकताएँ पड़ जाती हैं। तो इस वीडियो को उम्मीद करती हूँ कि जनहित में आप आगे से ज़्यादा आगे शेयर करें, जिससे जो वास्तविक व्यक्ति जो अनजान है इस चीज़ों से वो उन्हें जान सके। और आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड आगे शेयर करें। मैं आगे आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस और लाती रहूँगी जो आपके लिए यूजेबल हों, और आप मुझे कमेंट में जा करके कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई और विशेष तरीके की कोई लीगल इन्फॉर्मेशन या कोई भी कानूनी सलाह चाहिए हो तो। थैंक यू।